मारीना संदेश लाइव। संदेश में मैं उफात काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से बता चले आपको कि यूं तो लगातार ध्वस्तीकरण का सिलसिला जनपद मऊ में जारी हो गया है। वहीं सड़क चौड़ीकरण के लिए मिर्जा हादीपुरा में जिन जगहों को चिन्हित किया गया था आज वहां पर 19 तारीख अंतिम तिथि दी गई थी और आज 18 तारीख है। देखा जा सकता है कि लोगों को ये समझ में आ चुका है कि अब कोई भी अवैध निर्माण नहीं रह सकता है, हर हाल में गिराया जाएगा। ऐसे में आपको दिखाएंगे कि जिनका निर्माण था उन लोगों ने किस तरीके से अपने से खाली करना शुरू कर दिया। आइए आगे वीडियो देखते हैं। इस समय हम मिर्जा हादीपुरा से डोमनपुरा की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है ये भीड़ किसी कार्यक्रम की नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्क लगाया गया है जिस निर्माण को ध्वस्त करना है, जितना अतिक्रमण मुक्त कराना है, उसको खाली करने के लिए लोग अपने से जागरूक हैं। लोगों का मानना यहाँ पे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि प्रशासन द्वारा ध्वस्त कराया गया तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। बेहतर यह है कि प्रशासन के ध्वस्त करने से पहले खुद इसको खाली कर लिया जाए। उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानों को खाली किया जा रहा है, टाली लगी हुई है जिससे जो संभव है। इस समय आज तारीख है 18 और समय हो रहा है 9:04 और आप देख सकते हैं कि रात में भी लोग गाड़ी लगा के अपने सहयोगियों के साथ लगातार खाली करने का कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। सिर्फ एक ही पटरी नहीं, सड़क के दूसरी पटरी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक देख सकते हैं कट मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर सामने देख सकते हैं ये सड़क के इस पटरी से दूसरी पटरी तक पूरा यहाँ तक खाली कराया जाएगा और इसके बाद फिर आगे भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं तमाम टेम्पो पे लद करके सभी का सामान जा रहा है अपने अपने स्थानों पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में शिबा ट्रेडर्स की एक दुकान है जिसको लगभग खाली ही कर दिया गया है। सभी लोगों ने अपना मूड बना लिया है कि दुकान उनके हाथ से निकल चुकी है। इसमें कुछ लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं और जो लोग पीछे थे वो सड़क पर आ चुके हैं। ये समय का फेर है, फेर बदल है, जो पीछे थे आज वो आगे हैं और आगे वाले बिल्कुल हट गए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि जो मकान सामने छत पर दिख रहा है, खिड़की जंगला वगैरह अपने से लोग निकाल रहे हैं ताकि प्रशासनिक स्तर से ध्वस्त होने पर कम से कम ये चीज़ बची रहे। फिर आगे भी हम आपको स्थिति दिखाएंगे। हम इस समय पढ़ रहे हैं डोमनपुरा की तरफ, देख सकते हैं आप कि लगातार भीड़ लगी हुई है, लोग अपने अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। छोटे बड़े सभी दुकानदार यहां पर मौजूद हैं जो काफ़ी परेशान हैं और वहीं पीछे वाले दुकानदार भी जो अंदर जिनका था उनकी दुकान सड़क पर आ रही है वहां पर काफ़ी इन लोगों को खुशी। आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में एक नई बिल्डिंग बनी है, ये एक नई बिल्डिंग बनी है, काफ़ी ऊँची है, 1, 2, 3 मंजिल की ये बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छी खासी दुकानें हैं, सभी ने इसमें दुकानें लिया है, लेकिन ये बिल्डिंग भी पूरे तरीके से ख़त्म हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों को प्रशासनिक स्तर से मुआवजा मिलता है या जिन्होंने इनको बेचा है, रजिस्ट्री किया है, उनके स्तर से इनको मुआवजा दिया जाता है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि अल हबीब रेफ्रिजरेशन की दुकान है, दिल्ली क्लॉथ स्टोर वगैरह, इस तरीके से जितनी दुकानें हैं सब खाली हो रही हैं। सभी लोग अपना मूड बना चुके हैं दूसरे स्थान पर प्रस्थान करने का। तमाम कपड़ों की दुकानों को आप देख सकते हैं, मिर्जा हादीपुरा चौराहे से आप देख सकते हैं कि मस्जिद में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि निशान लगा हुआ है और मस्जिद के अंदर भी काम लगभग शुरू हो चुका है। देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर भी लोग काफी सक्रिय दिख रहे हैं और लगातार कि मस्जिद पर भी निशान लगा हुआ है क्रॉस का और मस्जिद में भी जितनी दुकानें हैं इन दुकानों को खाली किया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि जहाँ अंदर पीछे की दुकानें हैं, देख सकते हैं मदरसा दारुलूम का जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पीछे अंदर की जो दुकानें हैं वहाँ पर कुछ दुकान जो पीछे की थी वो दुकान सामने आ रही है। बाकी निर्माण को ध्वस्त कराया जाएगा और बाकी इधर मकानों को देख सकते हैं कि सुरक्षित है। फिर आगे की स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ आगे बढ़ के बना और कहाँ प्रशासन द्वारा पूरा चिन्हित किया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल आपको दिखेगा, इसलिए कि यहाँ पर लगभग किसी जगहों को चिन्हित नहीं किया गया है। दोनों साइड में जो गृहस्थ की बिल्डिंगें हैं दाएं बाएं दोनों ओर में आप देख सकते हैं कि इन लोगों की बिल्डिंग लगभग सुरक्षित है, क्योंकि इन लोगों का भविष्य से ही मानना था कि हम अपनी भूमि पर निर्माण करेंगे। इन्होंने बढ़ के निर्माण नहीं किया और उसका परिणाम ये है कि आज इनकी भूमि, इनका निर्माण बिल्कुल सुरक्षित है। आगे भी हम आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं, दिखाते हैं सामने थाना दक्षिण टोला की तरफ हम बढ़ रहे हैं। थाना दक्षिण टोला की तरफ बढ़ते हुए हम आपको दिखाएं कि क्या यहाँ पर भी कट मार्क लगा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल थाना दक्षिण टोला के यहाँ
कोने में यहाँ कटमार्क लगा हुआ है, यानी कि थाना दक्षिण टोला तक अंदर तक भी पूरा वो खाली होगा। यहाँ पर एक मस्जिद है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक कटमार्क लगा हुआ मस्जिद की तरफ, यानी कि मस्जिद की तरफ कटमार्क का मतलब हो रहा है कि ये सभी दुकानें, ये जितनी दुकानें देख रहे हैं, इन सभी दुकानों को खाली करना है, और जो खाली नहीं करेगा उनको प्रशासन के स्तर से खाली किया जाएगा और ध्वस्त करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अब देखना ये है कि जिनका मेन मार्केट में इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतना बड़ा व्यवसाय था, ये लोग सड़कों पर आते हैं या इनको कुछ मुआवजा प्रशासनिक स्तर से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात और जाँच का विषय ये है कि जब मऊ शहर बना और उसके बाद लगातार निर्माण हो रहा है, और 1964 से जब नक्शा बना हुआ था, सड़क चौड़ी कितनी थी क्या था, लेकिन उसके बाद भी जब धराधर निर्माण हो रहा था, उस समय जिला प्रशासन कहाँ सोया हुआ था कि शहर में लगातार अवैध निर्माण होता चला गया, और जब शहर पूरा बस गया, आबादी पूरी आ गई, लोगों की एक उम्मीद जग गई, इस उम्मीद के बाद जिला प्रशासन ने अचानक एक तुलकी फरमान जारी कर दिया, और चाहते अगर तो शहर के दूसरे ओर से भी बाईपास को घुमाया जा सकता था, इसको शहर छोड़ा जा सकता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पे मार्किंग कर दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया है जगहों को, और ध्वस्त करने के लिए सबको नोटिस दे दिया गया है। तमाम घबरा करके सभी लोग अपनी अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। देखना ये इस तरीके से कब तक शासन का रवैया रहेगा और कहाँ तक इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे अधिकारियों पर, तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनके रहते हुए इस तरीके का निर्माण हो गया और बाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ रही है। जिन अधिकारियों, मास्टर प्लान कहाँ सोया हुआ था, मास्टर प्लान के संबंधित अधिकारियों, तत्कालीन अधिकारी, आप देख सकते हैं सामने नदीम ट्रेडर्स ये घर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने भी इस चीज़ को मान लिया है कि इनको मकान तोड़ना पड़ेगा। ये लोग भी अपने से अपने मकान को खाली कर रहे हैं, गेट वगैरह निकाल रहे हैं कि जो भी मिल जाए वही बेहतर है। आगे भी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हुआ है, लेकिन जांच का विषय ये पहले भी था और अब भी जांच का विषय है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो तत्कालीन अधिकारी थे मास्टर प्लान के या जिला प्रशासन, उनके ऊपर कार्रवाई कब होती है, और उनके ऊपर कार्रवाई होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि जिस समय निर्माण हो रहा था पूरे शहर में अवैध निर्माण हो गया है, यदि अवैध निर्माण है तो ध्वस्त हो रहा है, और यदि अवैध निर्माण नहीं है तो इसको ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, और यदि अवैध निर्माण हुआ है तो उस समय जिला प्रशासन कहाँ था, क्यों सोया हुआ था। जिला प्रशासन की भी गतिविधियों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। देख सकते हैं यहाँ पर भी तमाम कटमार्क है, यानी कि ये सभी दुकानें गिरेंगी, दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक कटमार्क लगा हुआ है जिसको खाली किया जाएगा। लोगों में देख सकते हैं कि काफ़ी बेचैनी है और सभी लोग अपनी अपनी दुकान खाली कर रहे हैं, काफ़ी घबराए, परेशान लोग हैं सभी लोग। सड़क पर कह सकते हैं घर तो कम दिखेंगे, रोजगार की चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, दुकानें ज़्यादा दिखेंगी। जो तमाम, जहां एक तरफ सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए कह रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लोगों के लिए परिवार, जहां लॉकडाउन के दौर से अभी शहर गुजर रहा था, देश गुजर रहा था, वहीं आप देख सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जहां पे लोग चलते हुए कारोबार में लोग परेशान थे, वहीं बंद कारोबार में अचानक इतनी बड़ी मुसीबत सर पे आ जाने से काफ़ी लोगों में तनाव और परेशानी है। क्योंकि बाइक पर हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, हाथ भी हिल रहा है, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही ज़रूर है, लेकिन जिला प्रशासन से हम ये जानना चाहेंगे, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या शासन का कोई भी मंत्री या विधायक अगर ये वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो में ज़रूर जवाब दें कि ऐसे संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जिनकी देख रेख में ये अवैध निर्माण हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होती है और कार्रवाई होगी या नहीं होगी। चूंकि जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, उनकी तो पूरी जमा पूंजी को शासन प्रशासन स्तर से खत्म किया जा रहा है, और वहीं जिन लोगों ने इस निर्माण को कराने में संबंधित अधिकारियों ने सहयोग किया है, इनकी भी प्रॉपर्टी कब ध्वस्त की जाएगी या इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, यह भी जांच का विषय है। कि सामने नोमानी गेट बना हुआ है, नोमानी गेट पे भी कटमार्क लगा हुआ है, नोमानी गेट भी गिराया जाएगा। आगे की भी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि रात का समय है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है वीडियो कि कहां क्या गिरेगा, किस पर निशान लगा है, ये बार एकदम साफ कीजिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोशिश हम आपको पूरी करेंगे कि शहर की भौतिक स्थिति से आपको लगातार हम अवगत कराते रहें। आप देख सकते हैं कि सामने एक पोखरी थी, ये जिस पोखरी पे लोगों ने ज़मीन लेके, बिल्कुल चुपके अंधेरा है यहाँ पर, काफ़ी दिक्कत हो रही वीडियो बनाने में, गाड़ी की लाइट से भी वीडियो नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। जो इमामगंज मोड़ पर एक पोखरी थी जिसको पार्ट करके दुकानें बना दी गई हैं, आप देख सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज है, और ये सभी लोग कहाँ जाएंगे और कैसे दुकान बन गई मास्टर प्लान के मऊ में रहते हुए। क्या मास्टर प्लान सो रहा था, जो पुराना निर्माण था
जो भी पुराना निर्माण था अगर उसको किनारे कर दिया जाए तो नव निर्माण के समय जिला प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, साथ ही भाजपा की सरकार बनने के बाद भी जिला प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, 4 साल से रोड फोर लेन पास थी उस समय भी प्रशासन कहाँ सोया हुआ था कि लगातार नव निर्माण होते चले गए और अब ध्वस्त करने की कार्यक्रम शुरू किया गया है। हम जोबनपुरा की तरफ से बढ़ रहे हैं, धर्मपुरा की तरफ सामने गढ़ी है, एक अंधेरे की वजह से थोड़ा सा वीडियो में आप लोगों को कष्ट हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि सामने जो भी निर्माण है, कुछ निर्माण काफी आगे होके बना है, कुछ पीछे होके बना है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां शहर में जिला प्रशासन इतना जागरूक है, वहीं उस समय जिला प्रशासन कहां सोया हुआ था जब तमाम नव निर्माण चल रहा था और जिला प्रशासन अपनी आंख पर पट्टी बांध करके पड़ा हुआ था। पूरा शहर बस गया, पूरे बसे हुए शहर को एक बार फिर जिला प्रशासन उजाड़ने लगा। साथ ही एक बात ये भी सोचने वाली है कि अगर जिला प्रशासन चाहता या संबंधित विभाग चाहता तो जो बाईपास बेशहर से निकाला जा रहा है, सलाहाबाद मोड़ से होते हुए बाईपास को बाहर बाहर भी निकाला जा सकता था, इमामगंज की तरफ भी निकाला जा सकता था, तो इस तरीके की तबाही और बर्बादी नहीं होती जो इस समय लोगों के चेहरे पर मायूसी है कि लोग इतनी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। देखना ये है कि इस वीडियो का असर क्या होता है, जो लोग परेशान हैं उनको कुछ मुआवजा भी मिलता है या कि सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ से बिल्डिंग गिर। देख सकते हैं फजा इब्ने फैजी गेट, ये भी गिरेगा, उस पर भी निशान लगा हुआ है। थाना दक्षिण टोला की बाउंड्री पर भी देख सकते हैं निशान लगा हुआ है। सोच सकते हैं कि सरकारी चीज़ों पर जब निशान लग चुका है तो सरकारी संपत्तियों को भी जब गिराया जा रहा है, ऐसी स्थिति में सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके से आखिर ये निर्माण हुआ कि जिला प्रशासन सोया हुआ था और अचानक उसकी नींद खुली और एक विध्वंसकारी रूप धारण कर लिया। मिर्जा हादीपुरा में आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग बिल्कुल अभी नई बनी हुई है, ये बिल्डिंग भी गिरेगी। और सोचने वाली बात यह है कि जो आदमी तिनका तिनका जोड़ के अपना आशियाना बसाता है, अचानक आशियाना गिरने पर क्या उसके ऊपर बीतेगी, ये सोचने वाली बात है। देख सकते हैं आप कि तमाम दुकानें खाली हो रही हैं, लोग भीड़ लगा के तमाशा देख रहे हैं और रात का इस समय 10:30 बज रहा है। काफ़ी लोगों में टेंशन है, परेशानी है, सभी का चेहरा उतरा हुआ है, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो स्थिति आप देख रहे हैं ये मोहल्ला मिर्जा हादीपुरा की है। अचानक यहाँ पर एक गम का माहौल छा गया है, जैसे ही ध्वस्तीकरण का फरमान आया है देख सकते हैं कि सभी लोग अपने से अपना सब कुछ बनाया हुआ आशियाना तबाह कर रहे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे, सरकार इनके लिए क्या इंतज़ाम करती है, जाँच का विषय है। फिलहाल हम आपको इसी तरह का अपडेट देते रहेंगे, फिर हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कैमरामैन शिवम कुमार के साथ फात कादमी मारीना संदेश। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।